मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई हैं, मैं उसको दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नई बातें जरूर जोड़ना चाहता हूं। हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से हैं, सामने बैठे लोग और मंच पर बैठे लोग जिनके साथ मैं युवा काल में साथ था, मैं चेहरे पहचान रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो राजनीतिक चेतना वैसी ही जवान है जो पहले हुआ करती थी, वो मेरे को देखने को मिलता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक समय था जब राजनीति में, और मुझे याद है बचपन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो कहते थे कौन जाति का है भाई, अगड़ा है, पिछड़ा है, केकर वोट मिली केकर ना मिली, के साथ दही के ना दही साथ, ऐसी बातें सुनते थे। फिर ये भी सुनते थे कि ये तो बाहुबली है, एकरा के हराई। फिर ये भी सुनते थे कि एकरा सामने के लड़ी। और हमने ये भी सुना है अपने होशो हवास में कि जे हमारा सामने खड़ा हो स्वर्गीय हो जाए, ये हमारी हमने सुना है, देखा है, महसूस किया है। विश्वविद्यालय के चुनाव में मैंने देखा है जिस विश्वविद्यालय ने एक से एक ताज, एक से एक लोग पैदा किए, वह विश्वविद्यालय किस मुसीबत में पड़ गया लालू राज ने, वो भी मैंने देखा। इसलिए शिक्षा कहां तक गई थी बिहार में और शिक्षा कितने नीचे तक गई है, ये दोनों का अंदाजा मुझे है जो आपके सामने खड़ा है कि मैं कह सकता हूं। लेकिन 2014 में मोदी जी ने भारत की राजनीति की रीति नीति चाल चलन चरित्र सब बदल डाले, सब बदल डाले।